हेलो, कैसे हो? अच्छे होंगे, यही दुआ करती हूँ। तो फ्रेंड, आज अष्टमी है और हमारे यहाँ माता रानी की पूजा होती है और हम लोग पूजे की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यहाँ देखिए, मेरी माँ जी, मेरे बाबा जी, क्या क्या जो हमारे खेतों में से सरसों आते हैं उनके तेल निकाल कर लेकर आए। और देखिए, चलनी, चौकी और इस डब्बे में तेल, और वो बोरी में है गेहूँ है जो हमारे नए नए गेहूँ खेतों में से आए हैं, उसे पिसवा दिए गए हैं, नए सरसों के तेल हैं। और इन सब से माता रानी की पूजैया होती है और माँ जी मेरी शाम को पूजा करेगी। हम लोग सब मिलकर एक साथ माता रानी का आगमन करेंगे, उनका पुकार करेंगे कि हे माता रानी, आइए मेरे घर। तो यहाँ माँ जी बाऊ जी बैठे हुए हैं और अब नल में भी पानी आ रहा है, सप्लाई पानी। तो यहाँ अब हम लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड, मेरे घरों की हालत देखिए कितने कचकच है, और इन सब को अभी ठिकाना लगाना है। तो चलिए मेरे साथ इन सब को ठिकाना लगा ही देते हैं, क्योंकि रात में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि माता रानी की पूजैया करना है। तो हम लोग यहाँ रात में ही पूजैया करते हैं, माता रानी की पूजाई हमारे यहाँ रात में ही होती है। तो बहुत ही श्रद्धा से उनकी पूजा की जाती है, तो मैं और मेरी माँ जी दोनों रात में ही करें। बहुत ज़्यादा काम होने से फ्रेंड, यहाँ देखिए मुझे कपड़े सर घड़ी करने के भी टाइम नहीं मिल रहे हैं, और मैं अब किसी तरह समय निकालते हुए कपड़े को घड़ी कर रही हूँ और करके फिर उसके बाद फिर नहाना धोना, खाना बनाना, और खाना बनाकर फिर शाम को पूजा करना है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, अभी तो हमारे यहाँ पूजा होती है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी क्या करूं, समय बहुत कम होता है, समय मिल ही नहीं पाता। धीरे धीरे उसी में सब करना पड़ता है। माँ जी कितना हेल्प करेगी, अकेले हैं तो माँ जी बहुत हेल्प कर देती है, लेकिन क्या करें फ्रेंड, समय देखते हुए हर काम को करना पड़ता है। और अब मैं चल रही हूँ, देखिए मेरे शाम हो चुकी है और हमारे यहाँ खाना आप लोग जान ही रहे हैं, खुली जगह में बन रहे हैं। और यहाँ खुले आसमान के नीचे देखिए, और रेसिपी में बनेंगे भात, और यहाँ देखिए भाजी, भाजी बनेंगे फ्रेंड। ये हमारे खेतों की भाजी है और इस आज यही बनेंगे, भात, भाजी और आलू के सब्जी, क्योंकि आज रात में पूजा होने वाली है और अभी शाम का 4 बज रहा है। हम लोग जल्दी शाम का आज हम लोग खाना जल्दी बना रहे हैं, शाम का 4:30 या 4:45 होता होगा अभी, लेकिन फ्रेंड इसलिए जल्दी बना रहे हैं क्योंकि आज रात में 10 बजे माता रानी की पूजा करनी है। और उस समय पूजा में हमारे यहाँ पूरी, खीर, चने की दाल, जो नए नए खेतों में से चना आता है उसका दाल, नए जो गेहूँ होते हैं उस गेहूँ के आटे से पूरी बनेंगे, और इन सब का पूरी खीर बनाकर और माता रानी को चढ़ाया जाता है। इस वजह से हम लोग आज शाम का खाना जल्दी बना लेते हैं और 10 बजे रात को, 10 बजे के बाद ही माता रानी का पूजा करते हैं, और फिर खाना उना थोड़ा जो बनाना रहता है रात में बना देते हैं। सुबह हमारे यहाँ चूल्हे चौकी नहीं जलते हैं, इसलिए आज रात में ही खाना बनाना है। और रेसिपी में आप लोग देख ही रहे हैं, आज बनेंगे हमारे यहाँ चावल और भाजी और आलू का सब्जी। तो फ्रेंड यही सब बनेगा, और जा रही हूँ अब मैं नहाकर अपने गुरु जी की पूजा करूँगी, उसके बाद आकर तब तक फिर घरों की सफाई तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो सुबह थोड़ा बहुत खाना पीना खाकर सब इधर उधर घूमे हैं, तो इस वजह से वो हमारे यहाँ झूठ माना जाता है। तो फिर सफाई होंगे, घरों की धुलाई होगी, और उसके बाद सब फिर नहा नहा कर खाना पीना खा के, बर्तन बासन करके, अच्छी तरह सफाई करके सब अब चलना है। तो यहाँ